हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट पर मैं एसके चौधरी आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज अपन थोड़ा सा अलग प्रकार से पढ़ते हैं। लाइव क्लास तो सॉरी मैं आज नहीं डाल पाया क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए ब्लैक बोर्ड की बजाय मैंने देखिए कॉपी पर करने का प्रयास किया। देखते हैं कैसा वीडियो बनता है। तो दीदी रेडियो फ्री सेल इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा था और आज अपन पढ़ने वाले हैं इसके प्रोडक्ट्स कि विद्युत अपघटन सेल में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स अपने पास में क्या क्या बनेंगे। वैसे पहले देखा था कि विद्युत अपघटन सेल में जैसे पिछले वीडियो में आपने देख लिया कि जैसे कॉपर सल्फेट का आपने विद्युत अपघटन सेल बनाया तो देखिए जो रिएक्शन थी वो कुछ इस प्रकार से हुई थी कि जो एनोड था एनोड से कॉपर डिजोल हुआ था और शुद्ध कॉपर जाकर के जो कैथोड होता है वहां पर जाकर के जम गया था, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने जैसे कोई विद्युत अपघट जैसे मान लो मैंने सोडियम क्लोराइड ले लिया और अपने सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में अपने पास में क्या प्रोडक्ट बनेंगे। और यहां पर जो इलेक्ट्रोड है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सोडियम क्लोराइड का मान लीजिए आपने जरिए वेरियम बना लिया, उसमें इलेक्ट्रोड आप या तो लगाएंगे प्लेटिनम के या लगाएंगे गोल्ड के। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड केवल इलेक्ट्रॉनों को यानी विद्युत धारा के लिए काम करते हैं, इन दोनों के यहां ध्यान रखना है कोई रिएक्शन नहीं होगी। जैसे पिछले सेल में आपने देखा था कॉपर की रिएक्शन हुई थी वैसे यहां पर प्लेटिनम और गोल्ड की कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन किसकी होगी यहां पर सोडियम क्लोराइड का जो जहरीली एलिमेंट है उसकी रिएक्शन होगी। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने सोडियम क्लोराइड ये NaCl इसका आपने जहरीली एलिमेंट बना लिया तो आपके पास में बढ़ेंगे Na+ एंड Cl- आयंस। अब यहां पर देखिए जो एनोड होता है एनोड पर आप कौन सी रिएक्शन करते हैं, एनोड पर अपन करते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए जो एनोड है वहां पर आप ऑक्सीडेशन किसका करें तो यहां पर देखिए अपने पास में एनोड पर दो संभावनाएं होंगी, दो पॉसिबिलिटीज होंगी और उनको आप इस तरह से समझिए कि NaCl का जो जलीय मिलेगा उसमें एक तो आपके पास में Cl- है और दूसरे में OH- यानी दो आयंस है तो अब दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका होगा Cl- का या OH- का। तो ये डिपेंड करेगा कि दोनों में से जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है मानक विभव है वो कौन सी रिएक्शन के लिए कितना है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन यहां पर कंप्लीट होंगी। देखिएगा फर्स्ट रिएक्शन देखिए दो Cl- ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये बदल जाएंगे क्लोरीन में, इसमें बनेगी अपने पास में क्लोरीन गैस। दूसरे में जो एच टू है यानी OH- जो है इसकी रिएक्शन होगी जो H2O है OH- माइनस में लिखकर के मैंने H2O लिखा है कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा O2 में चार H+ निकल जाएंगे और चार इलेक्ट्रॉन, ये दोनों रिएक्शन होती है। अब देखो दोनों में से एनोड पर कौन सी कंप्लीट होगी ये डिपेंड करता है इनके मानक विभव यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल पर। तो देखिए जो दोनों रिएक्शन है फर्स्ट जो क्लोरीन वाले रिएक्शन है इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ये है 1.36 वोल्ट और जो ऑक्सीजन वाली रिएक्शन है सेकंड उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर जो फर्स्ट रिएक्शन है ये वाली जो रिएक्शन है इसका आप देख सकते हैं अधेय विभव, इसका जो विभव है वो ज्यादा होने के कारण यहां पर ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होगी सेकंड रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको एनोड और कैथोड पर यहां पर यह डिटरमाइन करना होगा, ये तय करना होगा कि दोनों में से कौन सा जो एनायन है उसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। ऐसे ही कैथोड पर भी आपको ये तय करना होगा, जैसे मान लीजिए कैथोड है तो यहां पर भी दो प्रकार के धनायन होंगे Na+ और H+, तो दोनों में से रिएक्शन उस धनायन की होगी जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी मानक विभव ज्यादा होगा जिसका अधिक विभव होगा। जैसे Na+ की जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होगी ये कन्वर्ट होगा सोडियम में, H+ की जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होगी इसकी बनेगी हाइड्रोजन गैस। सोडियम का जो मानक विभव होता है ये होता है माइनस में 2.71 वोल्ट जबकि हाइड्रोजन का मानक विभव हम जानते हैं 0.0 वोल्ट, यानी जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज्यादा है यानी यहां पर सोडियम वाली रिएक्शन जो करके हाइड्रोजन वाली रिएक्शन होगी। तो इस तरह से आपको जो एनोड और कैथोड है वहां पर तय करना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन है जिसकी जिसकी मानक विभव ज्यादा है, जिसका मानक विभव ज्यादा होगा वहां पर हमेशा वही रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो कुल मिलाकर के सोडियम क्लोराइड के जलीय वेरियम में अगर आप विद्युत अपघटन सेल बनाते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन जो है वो किस प्रकार से होती है वो देखिएगा। तो देखिए एनोड और कैथोड की जो कंप्लीट रिएक्शन है वो अपन देखते हैं किस प्रकार से होती है। उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है जो भी स्टूडेंट्स अभी तक
लाइव सॉरी प्रीमियम देख रहे हैं या बाद में अगर देख रहे हैं आप, लाइक नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये जो वीडियो है किस प्रकार से आपको लगा है, कैसा लगा है कि आगे भी अपन इस प्रकार से वीडियो बनाएं या ब्लैक बोर्ड पर। हालांकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है तो अगर अच्छा भी नहीं बना होगा तो आपको ज्यादा इसमें नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होने वाली है। तो देखो अपने पास में एनोड पर देखो ये रिएक्शन हो गई, ये फर्स्ट रिएक्शन होगी, सेकंड नहीं होगी, कैथोड पर सोडियम वाली ना होकर के ये हाइड्रोजन वाली होगी। तो आप देखो टोटल रिएक्शन कैसे होने वाली है। सबसे पहले देखो मैंने सोडियम क्लोराइड, ये रहा NaCl, इसको जल में घोला, जल में घोलते ही इसका आयनन हो गया Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। फिर इसका आपने जैसे ही विद्युत अपघटन किया तो एनोड पर देखो क्लोरीन वाली रिएक्शन हुई थी तो Cl माइनस है, ये बदल गया Cl2 में, प्लस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, एनोड वाली रिएक्शन हो गई। कैथोड वाली रिएक्शन में देखो जो H2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है वो देखो कैथोड पर आ चुका है और H2O उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के और H2O में से हाइड्रोजन गैस निकल गई है, प्लस OH- माइनस आयन बन गया, तो ये आयनन हो गया है। फिर एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन, अब देखो टोटल रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो टोटल रिएक्शन में आप देख सकते हैं इसमें दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, Cl- है ये भी देखो ये Cl- है ये भी Cl- है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो टोटल में अपने पास में बच गया क्या, NaCl प्लस H2। देखो दो ही रिएक्टेंट बने हैं, NaCl ये तो कट गया केवल H2। प्रोडक्ट्स में देखिए क्या क्या बचा है, प्रोडक्ट में देखो सबसे पहले पहली रिएक्शन में अपने पास में बच गया Na प्लस, ये रहा ये कैंसिल हो गया, आधा Cl2 आधा H2 और OH माइनस, Na प्लस प्लस हाफ Cl2 प्लस आगे लिख देता हूं मैं हाफ H2 और प्लस बचेगा OH माइनस। ये दोनों बाद में दोनों जुड़ करके Na प्लस और OH माइनस अगर दोनों जुड़ जाएंगे तो इसकी जगह अगर पर अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि Na प्लस और OH माइनस ये दोनों प्रोडक्ट बने तो ये दोनों डेफिनेटली एक जगह जुड़ेंगे और इनके जुड़ने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaOH प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपने देखा कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका अपन ने विद्युत अपघटन किया और विद्युत अपघटन से अपने पास में देखिए प्रोडक्ट बन रहा है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। यहां पर धातुएं नहीं बनेंगे, आप जिस प्रकार का कंपोनेंट लेंगे, जैसे आपने कॉपर सल्फेट लिया तो उसमें कॉपर धातु शुद्ध होती है, सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो ये था आज का बिल्कुल छोटा सा वीडियो और कल से आपकी फिर से उसी प्रकार से लाइव क्लास डाली जाएगी। आगे और अगर आपको कोई इसमें इंप्रूवमेंट या सुधार वगैरह चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी कल सुबह अपन उसी टाइम पर मिलेंगे लाइव सुबह 7 बजे, और अगर किसी प्रकार का चेंजेस वगैरह चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल से छोटा सा वीडियो है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर करके उनको बताइए कि विद्युत अपघटनी जो सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो सेल होता है, उसमें विद्युत अपघटनी रिएक्शन से किस प्रकार से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने होते हैं। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि जो अगर दो संभावनाएं हैं तो मानक विभव को देख करके फिर अपने को तय करना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन होती है। जैसे अभी आपने देखा था, देखो आपको ध्यान है Na प्लस और H प्लस, तो मानक विभव H प्लस का ज्यादा है तो ये वाली रिएक्शन पहले होगी, क्योंकि हमेशा रिएक्शन उसी की होती है जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो प्रबल ऑक्सीकारक या अपचायक होता है उसकी रिएक्शन हमेशा पहले होती है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, मिलेंगे कल सुबह फिर से लाइव क्लास में, ओके गुड बाय।